जाना है बच्चों के लिए जो जर्सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आपका वीर, आपका भाई, आपका दोस्त शिबाज ब्रैच, और आप देख रहे हैं शिबाज तैमूर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी तरफ से मेरे सारे यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत सी शुभकामनाएं, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते और सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अपनी ज़िंदगी को इंजॉय कर रहे होंगे। प्यारे बहनों भाइयों, इस वक्त बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है और टेम्परेचर तकरीबन माइनस के नज़दीक है। मैंने बहुत से ऐसे बच्चे देखे हैं जिनके पास स्वेटर नहीं है, जर्सियाँ नहीं हैं, और मैंने जैसा कि अपने आप से वादा कर रखा था कि मैं स्कूल गोइंग बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट्स लूँगा जैसे ही मेरी पे आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पे आ चुकी है और मैंने उन बच्चों के लिए कुछ चीज़ें ख़रीदी हैं। काफ़ी बच्चों को मैं जिनको मतलब है जिनकी वीडियोस नहीं बना सकता था उनको जाकर घर में दूंगा, और बाकी बच्चों को जिनकी मैं वीडियो बना सकूंगा वो मैं वीडियो बनाऊंगा एक मैसेज देने के लिए कि अगर आपके पास अल्लाह ताला का दिया कुछ है तो उसमें से देखें, उनका हिस्सा निकालें। इतनी सर्दी मैं अगर अपने आप पर बर्दाश्त नहीं कर सकता तो देखें दूसरे इंसान भी तो नहीं बर्दाश्त कर सकते। आएँ चलते हैं, अपने ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये है हमारे गांव का कब्रिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, ये आलन कबूल। इसमें काफ़ी दरख्त लगे हुए हैं, सुबह सुबह का वक़्त है, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं। सूरज निकलेगा या नहीं निकलेगा ये तो अभी कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि कल भी सारा दिन सूरज नहीं निकला और आज भी महसूस नहीं हो रहा, दो दिन हो गए सूरज नहीं निकला। देख सकते हैं अभी भी धुंध जो है ना वो ऊपर निकल गई है, नीचे काम है। मैं अभी आपको अपनी अम्मी अब्बू और भाई की कब्रों पर लिए चलता हूँ, तो चलें आगे। ये यहाँ कब्रिस्तान में तुलसी का काफ़ी पौधे लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। मैं मुझे इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं अक्सर तोड़ कर ना ले जाता हूँ। और यहाँ जो वो कीकर का दरख्त है और ये धरेक का दरख्त है, ये हमने लगाया था और अभी तो हर तरफ काफ़ी दरख्त कीकर के हो चुके हैं, लेकिन ये जो है ना वो इस साइड से उठा कर यहाँ पर लगाया था। ये जी आ गए हैं हम अपने अम्मी अब्बू की कब्रों पर, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये जो कब्र है ये मेरी अम्मी जान की है, ये वाली। ये मेरे दादा अब्बू की कब्र है और वो मेरे भाई की कब्र है। ये मेरी ताई अम्मा की कब्र है, ये वाली। ये मेरे अबू की कब्र है, अबू जान, अस्सलाम वालेकुम। और ये सारी जो कब्रें हैं ना हमारे रिश्तेदारों की हैं, मतलब है दादा दादी मुख्तलफ सारे, मतलब मेरे लिए तो यही जो है ना हैं तो सब भी काबिल एहतराम, लेकिन अम्मी अबू और भाई और दादी दादा सारे। ये बच्चे आ चुके हैं जो हम कोशिश करेंगे कि ये स्कूल गोइंग बच्चे और बच्चियां हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त सर्दी है और धुंध भी हर तरफ छाई हुई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बचपन में हमने देखा था अपना बचपन, मैं भी इस तरह का था जब छोटा था, स्कूल जाया करता था और यही सूरत हाल हुआ करती थी। कैसे हैं आप सब लोग, ठीक हैं? छुट्टियाँ हो गई हैं स्कूल से क्या? अभी छुट्टियाँ हो गई हैं, कितनी कितनी छुट्टियाँ हुई हैं? 10 छुट्टियाँ हुई हैं, चलो बहुत है ना आपको छुट्टियाँ। अभी आपको हम देंगे ये जर्सियाँ और ये पहनकर आपने स्कूल जाना है, और जूतों का भी मैं इंशाल्लाह ताला हम लोग आपके जूतों का बंदोबस्त करेंगे, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि ये देखें इन बच्चों को ने चप्पल्स पहनी हुई हैं और जितनी सर्दी है, मैं अपनी तरफ देख रहा हूँ और इनको अभी बच्चे आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला, कुछ बच्चों को पहुँचाएँ तो इनको भी अभी देते हैं, ठीक है। आप के स्कूल में कौन से? ये चलते हैं। ठीक है।
क्या कर रहे हो? ये देखो अभी बच्चों का आपने हाल देख लिया है, ये सारा दिन इकट्ठे खेलते हैं और अभी जब इकट्ठे दोबारा बैठे हैं तो ये आपस में लड़ने लग गए हैं। बच्चों का यही होता है, यही इनका प्यार होता है, यही बचपन होता है और यही इसी वक्त की यादें रह जाती हैं। अच्छा उठो तो ठीक है नहीं बच्चे नहीं करीदा। अच्छा ठीक है बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं साथ और देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये पहन सकते इधर 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 खड़े होकर ना पहनो आप। आपके लिए कितना सारा है जो ये देख रहे हैं बच्चे कितने खुश हैं। यही हकीकी खुशी है जिसे हम लोग तलाश कर रहे होते हैं। ये साइड पर बैठकर अब बच्चे पहन रहे हैं। ये देखो इस बच्चे को मैं कह रहा था कि तुम्हें बड़ी है वो वाली और छोटी ले लो, उस वक्त कह रहा था मुझे ये पूरी। चलो बेटा मैं तुम्हें दूसरी दे देता हूँ ठीक है, तुम भी ले लो सब ले लो। यही एक हकीकी खुशी है जो मुझे हासिल हुई है और मेरी YouTube इनकम का इससे बढ़कर अच्छा मसरफ कोई और हो नहीं सकता। जैसा कि मैंने अपने आप को खुश करने के लिए अपने मतलब रब को खुश करने के लिए ये देखे, जिनको बड़ी लेडीज़ को भी जर्सी वगैरह की ज़रूरत थी उनके लिए भी कुछ किया है। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल करें और यही मेरी फैमिली है, यही मेरे अपने हैं और इस घर में इसलिए आकर तकसीम किया क्योंकि ये घर बड़ा है, मेरे घर में इतनी जगह नहीं है कि ये देख सकते हैं। बच्चे अभी आ रहे हैं और ये आप सब बहन भाइयों की दुआओं की बदौलत है ये सब कुछ जो कि अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी है कि मैं इस मुकाम तक पहुंच चुका हूं और अपने YouTube की इनकम से इन लोगों के लिए मोहब्बतें और प्यार खरीद सका हूँ। वैसे मोहब्बतें और प्यार खरीदा तो नहीं जा सकता लेकिन यह है कि कोशिश की जा सकती है और मैंने कोशिश की है, अल्लाह ताला कबूल करें। के मतलब है ये मकसद तो ये नहीं है कि मैं YouTube पर ये दिखाऊं लेकिन ये है कि लोगों के लिए एक पैगाम एक मैसेज जाए कि अगर ये है तो हम क्यों पीछे रहें। इस सर्दी का मौसम देख लें, बच्चे देख लें, ये सब प्यारे बच्चे, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला इनको सेहत दे, अल्लाह ताला इनको अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। ये अम्मी जान है बच्चों के लिए जो जर्सी होती है, एक अम्मी जान को भी पूरी आ गई है, बहुत दुआएँ कर रही हैं, दुआ करना अम्मा जी अल्लाह सुख दे अल्लाह बार दे आमीन। इसी दुआओं की हमें ज़रूरत थी, अल्लाह ताला इन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अपने भाई शबाज़ बड़ैद को इजाज़त दें, इसी तरह खुशियाँ बांटता रहूँ, खुशियाँ समेटता रहूँ।
जी ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।